अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 15 दिसंबर 1963 को पहला केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोला गया देश के अंदर। उसके बाद आज तक देश के अंदर करीब 1253 स्कूल खोले गए हैं। बीते हुए 5 सालों की अगर मंत्री महोदय के जवाब के अनुसार बात करूं तो 48 स्कूल नए खुले, जिसमें से राजस्थान प्रदेश को मात्र 2 स्कूल मिले हैं। जिस स्पीड से स्कूल पिछले 56 साल में खुले, करीब करीब 22 स्कूल प्रति साल खुलते गए और बीते हुए 5 साल में मात्र 2 स्कूल ही प्रति साल खुले। एक तो ये स्पीड बहुत ही कम हुई और जो गाइडलाइंस बनाई गई थी वो गाइडलाइंस 1963 के हिसाब से बनाई गई। आज का बदलता हुआ वक्त है और आपकी सरकार अमृत सिटीज़ नाम की बड़े बड़े शहरों को विकसित कर रही है जिनकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है। सर, मैं आपके मार्फत से मंत्री महोदय जानना चाहता हूँ कि क्या सरकार अपनी नीति में परिवर्तन लाएगी और लाके ऐसे स्कूल्स जो 1 लाख से ऊपर की आबादी के स्कूल्स हैं, जो सिटीज़ हैं, जैसे मेरा ही लोकसभा क्षेत्र का सुजानगढ़ शहर है जिसकी 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, क्या आप अपने नीति में परिवर्तन लाने के बाद में क्या इन ऐसे स्कूल ऐसे शहरों में स्कूल खोलने का कोई प्रावधान रखते हो? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और मैं समझ सकता हूँ लाजमी है कि केंद्रीय विद्यालय संगठन की जो साख है उसे देखते हुए सभी सांसद चाहते हैं कि उनके क्षेत्रों में इसका विस्तार हो। पूरे देश में 1253 केंद्रीय विद्यालय खुले हैं और 6 साल के दशक में चाहे एकेडमिक परफॉर्मेंस हो, किसी भी मानक को आप देखेंगे तो दूसरी संस्थाओं को सरपास कर रहा है। राजस्थान के संबंध में माननीय सदस्य ने सवाल पूछा है और सुजानगढ़ के संबंध में मुख्य सवाल में उन्होंने पूछा, सुजानगढ़ को लेकर अभी हमारे पास कोई प्रस्ताव नहीं पेश हुआ है और उसकी एक पुरानी प्रक्रिया है जिस प्रक्रिया को, जिस नियम को हमें फॉलो करना पड़ता है। माननीय सदस्य। मंत्री महोदय, मैंने यही बात पूछी है कि क्या हम पॉलिसी को चेंज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आज की तारीख में दूर दराज के अंदर जहाँ स्कूल है, आज मेरा केंद्रीय विद्यालय जहाँ चूरू में है उससे 150 किलोमीटर की दूरी पड़ती है सुजानगढ़ की, और हम चाहते हैं कि हर एक पॉइंट पे एटलीस्ट हम अमृत सिटीज़ को तो टारगेट करें जहाँ 1 लाख से ऊपर की पॉपुलेशन है, और सुजानगढ़ को भी आप इसमें प्रायोरिटी लेंगे। इसी तरह आपने जो भी अपने आंसर में बात बताई कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर लर्निंग जो है उनके 12 स्कूल खोले गए पूरे देश भर के अंदर, इसमें राजस्थान को एक भी स्कूल नहीं मिला, ये जरूर एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, पर इस कॉन्सेप्ट के साथ में राजस्थान को इससे वंचित किया गया है। आप इसकी शुरुआत सुजानगढ़ से करना चाहेंगे, मेरा आपसे क्वेश्चन रहेगा। अध्यक्ष जी, जैसा मैंने अभी कहा, एक प्रक्रिया है और उस नीति के तहत केंद्रीय विद्यालय का निर्णय लिया जाता है, उसके कुछ मानक भी हैं। पहले तो हमें प्रस्ताव प्राप्त होना चाहिए, राज्य सरकार द्वारा होना चाहिए, गवर्नमेंट के मंत्रालय विभाग इसकी स्थापना कर सकते हैं। साथ साथ प्रोजेक्ट मोड में भी केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण होता है। जो 12 केंद्रीय विद्यालय का जिक्र माननीय सदस्य कर रहे हैं वो प्रोजेक्ट मोड में भी हुए हैं। राजस्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता रही है और आगे भी केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से वहाँ जो हमारी संस्थाएं हैं उनकी देखरेख को लेकर, उनके व्यवस्थाओं को लेकर हम निरंतर काम करते हैं। हमारी नीति में जो मुख्य प्रावधान है कि किस हिसाब से केंद्रीय विद्यालय स्थापित होगा, पहले तो प्रस्ताव आना चाहिए, जमीन आवंटित होनी चाहिए और टेम्परेरी अकोमोडेशन की सुविधा भी होनी चाहिए, उसके बाद ही हम आगे बढ़ सकते हैं। और केंद्रीय कर्मचारी भी होना चाहिए। जी, मैं माननीय सदस्यगणों से आग्रह करना चाहता हूँ, ये प्रश्नकाल का पहला दिन है, माननीय